Good morning, all of you. Today I shall tell to you about the solid state chemistry in organic chemistry. BSc Part 1. आज मैं आप सभी को BSc Part 1 का सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ाने जाऊंगा और पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरह से. और आप इसे पढ़ें, मिलर इंडिसेस. टुडे आई शैल टीच अबाउट द मिलर इंडिसेस. मिलर इंडिसेस कैसे खींचा गया ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है. अब मैं जो बताऊंगा आपको, माइनस एक्सिस पर कैसे हम चलेंगे उसको हम बताएंगे कि माइनस एक्सिस पर हम मिलर इंडिसेस कैसे खींचते हैं. तो टू ड्रा द मिलर इंडिसेस, नेगेटिव साइन एक्सिस. टू ड्रा द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस खींचना है हमको. टू ड्रा द मिलर इंडिसेस इन नेगेटिव साइन एक्सिस, साइन एक्सिस. ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी, हमने ले लिया 1 bar 0 0. ध्यान दीजिएगा, जब हम निगेटिव साइन लेते हैं तो मैंने ले लिया 1 bar 0 0. तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, ऐसे आगे कि 1 bar 0 0 का आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचिए. तो कैसे करेंगे आप, इसको ध्यान दीजिएगा. तो आपको करना क्या होता है कि आपको यह देखना होगा कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी कितनी प्रायोरिटी हो सकती है. ठीक है, तो आप इसकी कितनी प्रायोरिटी बना सकते हैं या कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो 1 bar 0 0 जैसे हो गया, आप इसे 0 1 bar 0 भी कर सकते हैं और 0 0 1 bar भी कर सकते हैं. तो ये हो गया. अब इसको हमको ड्रा करना है, तो आपको 3 axis मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि हमारे पास 3 axis होते भी हैं. तो 1 bar 0 0 इसी का हमको मिलर इंडिसेस ड्रा करना है. तो 1 bar 0 0 तो सभी को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. 1/1 bar, 1/0, 1/0, तो ये आपका आ गया 1 bar, ये आपका आ गया इनफाइनाइट और ये आपका आ गया इनफाइनाइट. तो आपको यह देखना होता है कि जो इनफाइनाइट होता है उस एक्सिस को हम यह मान लेते हैं कि यह एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है. क्योंकि आपको यह बताया गया था कि जो पैरेलल होगा ऑलरेडी उसमें एक केस होगा कि किसी भी 3 axis में 2 parallel और 1 intercept होते हैं, ना कि 2 intercept और 1 parallel. तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ भी होता है वहाँ पर 2 parallel और 1 intercept होता है. तो आपने y और z को इनफाइनाइट देखा हुआ है, तो y और z जब इनफाइनाइट हैं तो यह क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू द ईच अदर. तो यह पैरेलल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या है, x इंटरसेप्ट होना चाहिए. तो आप देखेंगे क्या कि आप ऐसी जगह जाएंगे प्लेन, तो यहाँ पर होता क्या है कि एक क्यूब के सेट में होता है सॉलिड आपका. तो सॉलिड पहले आप क्यूब बना लीजिए. तो आप इस तरह से क्यूब बनाते हैं, ये आपने क्यूब बनाया हुआ है. अब फिर इसमें आप ए बी सी डी ई एफ जी एच ये लगा हुआ है कि नहीं. तो अब इसमें आप करेंगे क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच लगा हुआ है. अब इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे कि कैसे हम करते हैं. तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि हमको निगेटिव साइन में जाना है. 1 bar दिया हुआ है, निगेटिव साइन में जाना है. तो आप इस पूरे क्यूब के उस वाली पॉइंट को पकड़ेंगे जिसमें आप निगेटिव साइन मूव करेंगे. तो अभी अगर मैं इसके पहले इधर मानता था एक्स वाई जेड है ना, लेकिन अब मुझे अगर मैं इधर से जाता था, क्योंकि कोई भी एक्सिस होता है आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यह हमारे पास 3 axis होती हैं, एक्स वाई और जेड होता है.
तो जो मेरा सेट होता है, जो भी होता है, यहाँ इधर से हम चलते हैं तो ये पॉजिटिव साइन है, इधर भी चलते हैं तो पॉजिटिव साइन है, और इधर भी चलते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, और इधर हम अगर चलते हैं तो ये हमारा निगेटिव साइन होता है, इधर अगर हम चलते हैं तो निगेटिव साइन होता है, इस तरह से। तो आप साइन तो अच्छी तरह से जानते भी हैं कि यदि हम अपने बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव साइन, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो निगेटिव साइन, और बॉटम टू एबव चलेंगे है ना, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो पॉजिटिव साइन। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वन बार कह रहा है, तो वन बार का मतलब क्या होता है कि हमको एक्स एक्सिस पर ऐसे मूव करना है जिधर हम क्या चलें भाई, निगेटिव साइन चलते हों। तो वन बार निगेटिव साइन चलने का मतलब इधर निगेटिव साइन चलेंगे, ठीक है। तो आप निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि मैंने आपसे बताया था कि अगर निगेटिव साइन करना है तो इधर से इधर चलना होगा, यानी इधर अब आपको यक्स मानना होगा, ये टॉप टू बॉटम ये वाला एक्सिस आपको जिद्दी मानना होगा, और इधर वाले एक्सिस को आपको क्या मानना होगा, वाई मानना होगा। तो जो हम इधर मानते थे ये यक्स, और इधर ये मानते थे, इधर हम इसे वाई, इधर हम इधर यक्स, इधर जेड मानते थे, अब जा करके हम क्या मानते हैं कि इधर वाले को हम यक्स मान लेते हैं, और इधर वाले को हम वाई मान लेते हैं, और इधर वाले को हम जेड मान लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है और ये तरीका होता है। अब देखिए हम मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यक्स का पूरा करा, यानी ये बोल रहा है कि यक्स का पूरा निगेटिव साइन में जाना है, तो यहाँ पे आप यक्स यही एक्सिस माने हैं, इस एक्सिस को आप यक्स माने हैं, तो यक्स का पूरा निगेटिव साइन में आप चले जाइए। फिर यहाँ पे कह रहा है वाई और जेड के पैरेलल कह रहा है, तो वाई पैरेलल, ये आपकी लाइन वाई के पैरेलल और ये वाई के पैरेलल हो जाएगा, और जेड के पैरेलल ये हो जाएगा, और जेड के पैरेलल ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यह ऑलरेडी क्या हो गया कि आप किस तरह से मैंने आपको बताया कि यह पैरेलल हो जाता है ना, किस तरह से यह पैरेलल हो गया। इसमें देखिए एफ और एच जी के क्या है, पैरेलल है, और एच ई और एफ जी जेड एक्सिस पर क्या है, पैरेलल है। और हमने मोमेंट का इनको जो निगेटिव साइन में ये इनको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम प्लेनर सिमेट्री खींचते हैं, मिलर इंडिसेस खींचते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको यह दिया रहेगा और ऑलरेडी वो पूछेगा कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, इस तरह से भी पूछ लेते हैं। तो आप इस चीज़ को केयर करिएगा और राइट कर लीजिए। तो आप इस चीज़ को केयर करिएगा कि सबसे पहले हम करते क्या हैं कि हम ऑलरेडी उसको वन से डिवाइड करते हैं सभी को, फिर ये आ जाता है, और जब यह आ जाता है तो हमको क्या देखना होता है कि जो ऑलरेडी इनफाइनाइट आते हैं यह एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। आप पूरे इस क्यूब में उस शेप पर जाएंगे जहां पर ऑलरेडी आपको मिले वाई और जेड एक दूसरे के प्लेन में मिले, पैरेलल में मिले, लेकिन वहाँ पे जब हम प्लेन खींचेंगे तो उस प्लेन को एक्स एक्सिस से अगर कोई इमेजिन लाइन खींचा जाए तो वह उसे इंटरसेप्ट करे। तो यह तरीका होता है, और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये भी होता रहता है कि कभी कभी प्लेन दिया रहता है और आपको पूछना हो, वो पूछा रहता है कि उसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, तो आपको मैं उसका भी एग्जांपल बताऊंगा, बट इसको पूरा करके। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि दो या तीन क्यूब जोड़ा रहता है, आप पूछ लेता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री 1-1 या 1-0-0 का हम कैसे खींचेंगे, है कि नहीं, ऐसा भी पूछ लेता है, या 0-0-1 का हम कैसे खींचेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ये जो साइन चलते हैं खींचते समय जो साइन चलते हैं कैसे घुमा जाता है इसको ना बोलिएगा,
साइन कैसे चलते हैं, है कि नहीं। अब बाकी रह गया क्या, 01 बार 0 001 बार आप ट्राई करिए, हो सकता है आपसे हो जाए, बट मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। आप ट्राई करने की कोशिश करिए। अब देखिएगा आप, अब जैसे दूसरा कंडीशन क्या था भाई, दूसरा कंडीशन था 01 बार 0, ऐसा था 01 बार 0 था। तो 01 बार 0 को हम कैसे करेंगे इसको देखिएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे एक्स वाई और जेड मान लेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे क्या कर देंगे 0। तो 1 का बटा 0 हो जाएगा, 1 का बटा 1 बार हो जाएगा और 1 का बटा 0 हो जाएगा। ये आपका इन्फाइनाइट आ गया, ये आपका 1 बार और ये आपका इन्फाइनाइट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक्स और जेड के सामने नीचे क्या दिया हुआ है, इन्फाइनाइट है कि नहीं, क्या दिया हुआ है, इन्फाइनाइट। तो आप इसको जानने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक्स और जेड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, और वाई इनको क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हम क्यूब बनाते हैं और इस क्यूब में यह देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। ये ऐसे भी क्यूब बन सकता है और ऐसे भी क्यूब बनता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब तो बनाना आप कक्षा 6, 7, 8 से ही सीखे रहते हैं। अब यहाँ पर ये ए हो गया, यहाँ पर आप बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पर एच। ओके, तो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए, यानी वाई काटना होगा, लेकिन वाई को जो काटेगा वो निगेटिव में घूमना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि यह क्या है आपका, एक्स माना गया है और यह आपका क्या माना गया है, वाई, और आपका यह क्या माना गया है, जेड माना गया है। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्स वाई जेड ना, और इस तरीके से एक्स वाई जेड हो गया। तो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि एक्स वाई जेड हमने माना हुआ है, और अब इसमें होता क्या है कि एक्स वाई जेड माना कि तो वाई क्या घूमना है, वाई को निगेटिव तरीके से घूमना है, पॉजिटिव नहीं घूमना है, और उसके बाद ऐसी जगह जाना है जहाँ एक्स पैरेलल हो जाए और जेड पैरेलल हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट को हम पकड़ते हैं और इसको इधर से इधर घूमते हैं तो निगेटिव साइन घूमेंगे, तो वाई के निगेटिव मैंने घूमा, यहाँ से यहाँ पकड़ा तो वाई के निगेटिव घूम गया कि नहीं घूम गया, घूम गया। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई का पैरेलल कौन होगा, वाई का पैरेलल ये हो जाएगा, वाई का पैरेलल ये हो जाएगा, और जेड का पैरेलल ये हो जाएगा, और जेड का पैरेलल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा बना, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा प्लेन बना, ये बन गया है। तो इसे कहा जा सकता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन अगर है, तो अगर आप क्यूब के अंदर एक्सिस पकड़ना सीख गए तो कन्फर्म है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचना जानेंगे। तो बड़े बड़े एग्जामों में और आपके बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जामों में ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे रहते हैं कि वह प्लेन खींचा रहता है, पूछता है कि व्हाट इज द मिलर इंडिसेस। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे मिलर इंडिसेस के सहारे यह बता रहा हूँ कि आप इसमें प्लेन कैसे खींचेंगे, लेकिन अभी मैं वो भी एग्जाम्पल बताऊँगा कि जिसमें प्लेन दिया रहता है और आप उसमें यह एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, ठीक है। राइट कर लीजिए, जैसे अब आपका क्या रहा भाई, अब आपका जैसे आ गया कि 001 बार ना। अब 001 बार को हम क्या करेंगे, जैसे यही मिलर इंडिसेस है 001 बार, ठीक है। अब इसका आंसर ने कहा कि ड्रा द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचिए या मिलर इंडिसेस को ड्रा करिए। तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड करेंगे और यहाँ लिखेंगे 001 बार, ऐसा भी करेंगे है कि नहीं, 001 बार भी करेंगे। तो अब होता क्या है कि आप 1 का बटा 0 और 1 का बटा 1 बार करेंगे, ये तरीका इसका रहा। तो 001 बार में 1 1 से मैंने डिवाइड किया है, 1 का बटा 0 1 का बटा 0 1 का बटा 1 बार मैंने किया। अब इसमें क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट और ये आपका आ गया 1 बार, ठीक है। देखते रहिए, कई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ और आशा है कि आपको इधर निचोड़ आ जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। अब देखिए होता क्या है, मैं वही सॉलिड बनाऊंगा जो क्यूब के शेप में होता है, इस तरह से
फिर ये आपका ऐसे हो जाएगा और इधर ये और ये हो जाएगा। इसमें हम ए लिखेंगे, इसे हम बी, इसे हम सी लिखेंगे और इसे हम डी, इसे ई, इसे एफ और इसे जी और इसे एच लिखेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। और इसमें आप ये देखिएगा कि अब मुझे ऐसा घूमना है ताकि जेड का क्या घूमे, हाँ माइनस घूमे, नेगेटिव घूमे। तो हमें पॉइंट पकड़ना होगा, पॉइंट नेगेटिव वाला जब मैंने कहा था तो इसको हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, वाई, और ये नीचे वाली लाइन को हम क्या मान लेते हैं, जेड। तो आप इस तरह से जान गए कि इधर से ये वाली सारी एरिया अगर ऐसे घूमेंगे ये तो एक्स हो जाएगा, ऐसे हम जाएंगे तो ये वाई हो जाएगा और हम ऐसे नीचे आएंगे तो यह जेड हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर यह देखने की कोशिश करिए कि एक्स वाई जेड तो मैंने कर लिया, अब यहाँ पर जेड को ऐसे मूवमेंट करें ताकि हम उसका क्या घूमें, निगेटिव साइन घूमें। तो जेड को कहाँ जाएंगे, हम नीचे आएंगे, ऊपर से हम कहाँ चले आए, नीचे चले आए। अब देखिए ऊपर से जब मैं नीचे आया तो कौन सा घूम रहा हूँ, निगेटिव साइन घूम रहा हूँ। और ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पे क्या हो जाए, वाई और एक्स एक दूसरे की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो आप यहाँ देखिए एक्स का पैरेलल ये है और एक्स का पैरेलल कौन है, ये, और वाई का पैरेलल ये है और वाई का पैरेलल कौन है, ये। तो कौन सा साइन हो गया, ये हो गया। इस तरह से तो आपने देखा कि ये हो गया मिलर इंडिसेस का 001 बार का कैसे खींचा गया। तो आप इस चीज़ को खींचने की बहुत ज़रूरी है और इस पर ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और इसको आप आदत बना लीजिएगा कि किस तरह से हम लोग खींच करके कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो यह आपका ऑलरेडी इस पर हो गया कि किस तरह से मिलर इंडिसेस को ड्रॉ किया जाता है। तो मैंने आपको निगेटिव साइन पे भी मूवमेंट घूमने की कोशिश की और आपको यह बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग डायगोनल एक्स एक्सिस पर, डायगोनल वाई एक्सिस पर, है ना, किस तरह से एक्स वाई जेड एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक्सिस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कैसे खींचते हैं, इसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सिस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे खींचते हैं इसको दिखाऊंगा। देखिए सिमेट्री क्या चीज़ होती है, इसको पहले आप सुनिएगा। सिमेट्री मतलब होता है सममित। सममित का मतलब क्या होता है कि जब इसमें होता क्या है सममित में, सिमेट्री में, कि हमें किसी वस्तु को ऐसे देख करके यह बताना होता है कि वह कितने बराबर भागों में बढ़ सकता है, ठीक है, इसे सिमेट्री कहते हैं। बात यहाँ पर यह चल रही है कि जैसे हम बाहर से आते हैं रूम के अंदर, और जैसे ही हम बाहर से रूम के अंदर आते हैं तो मुझे क्या होता है, चकाचौंध नज़र आता है। लेकिन कुछ समय के बाद मुझको क्या होता है कि वहाँ पर जो अंधेरा था वो छटता हुआ नज़र आया और हमने कुछ आराम से उसको देख सका, इसे सिमेट्री कहते हैं। लेकिन सिमेट्री किसी वस्तु को हम कितने, जैसे मैं कह दूँ कि इस ग्रीन बोर्ड को आप दो बराबर भागों में बांटिए तो आप लाइन नहीं खींचेंगे, लेकिन बट आप यह जान लेंगे कि यह कहाँ से किधर से यह बराबर भागों में बढ़ सकता है। तो सिमेट्री हमारे पास दो होती हैं, है कि नहीं, सिमेट्री ऑलवेज इमेजिनरी लाइन, सिमेट्री ऑलवेज इमेजिनरी लाइन होता है। आपकी जो सिमेट्री होती है वह क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पास की जाती है किसी भी सबस्टांस में और यह देखा जाता है कि इसमें क्या हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी लाइन या देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जो सिमेट्री होती है वह दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ए पॉइंट में है सी टू सिमेट्री, सी टू सिमेट्री, और बी पॉइंट में है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपकी सिमेट्री जो होती है वह दो तरीके की होती है, एक सी टू सिमेट्री होती है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहाँ मैं आपको सी टू सिमेट्री को डिटेल दिखा रहा हूँ। सी टू सिमेट्री का डिटेल आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। सी टू सिमेट्री का डिटेल क्या होता है ये देखिएगा। व्हेन
एनी इमेजिनरी लाइन पासिंग लाइन पासिंग थ्रू ए पासिंग थ्रू ए एरिया या पासिंग थ्रू ए सबस्टांस किसी सबस्टांस को इमेजिनरी लाइन पास करते हैं विच इज डिवाइडेड बोथ साइड लिखना है सॉरी बोथ साइड सेम दोनों तरफ सेम पार्ट रहे बोथ साइड सेम पार्ट है कि नहीं डिवाइड करना है जो बोथ साइड में क्या रहे सेम पार्ट में वो क्या हो जाए डिवाइड हो जाए इसी को सी टू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है कोई है ना इसमें पूछा सी टू सिमेट्री क्या होगी तो यह जो लाइन होगी इमेजिनरी लाइन जो होगी यही आपको क्या कराएगी सी टू सिमेट्री पास करेगी। तो इसी को कहते दो बराबर भागों में बांट रहा है जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये पलट जाएगा यानी बी इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा यानी आपका कहने का मतलब ये होता है कि जब सी टू को पास किया जाता है जब सी टू को क्या किया जाता है पास किया जाता है तो ऑलरेडी उसमें होता क्या है कि उसको रोटेशन कराया जाता है ना। जब सी टू व्हेन द सी टू पासिंग देन आफ्टर देन व्हेन सी टू इमेजिनरी लाइन पासिंग जब सी टू इमेजिनरी लाइन को पास किया जाता है लाइन पासिंग आफ्टर जब सी टू इमेजिनरी लाइन को हम पास करें तो उसका हम रोटेशन कराएंगे आफ्टर रोटेशन उसका हम रोटेशन कराते हैं देन रोटेशन विल बी स्टॉप या रोटेशन स्टॉप्ड और उसे रोटेशन को स्टॉप्ड करते हैं एंड फाइंड दैट सेम ओरिएंटेशन जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या प्राप्त करते हैं सेम करते हैं। तो आप जो भी सबस्टांस में सी टू को पूछेगा कि इसमें सी टू है कि नहीं क्या है कौन सा है सी टू है कि सी थ्री है सी फोर है बात यह है कि जब हम सी टू को पास करते हैं तो उस समय हम यह देखते हैं कि वह कितने लोगों को डिवाइड कर रहा है कितने एक्सिस पर चेंज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब हम सी टू को पास करेंगे अगर वो तीन लोगों को करता तो सी थ्री हो जाता है चार लोगों को करता है तो वह सी फोर हो जाता है पांच लोगों को करता है तो वह सी फाइव हो जाता है ऐसी भी कंडीशन आती ही रहती हैं। तो आप तो यह देखा करिए कि वो कितने लोगों को डिवाइड कर रहा है जैसे यह दो लोगों को डिवाइड कर रहा है ए और बी हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी जब ए और बी हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इससे यह साक्षात्कार होता है कि यह सी टू ही है क्या है सी टू। तो जब हम उस लाइन को इमेजिनरी लाइन को पास करेंगे और पास करने के बाद हम थोड़ी देर के बाद उस रोटेशन कराएंगे रोटेशन करने के बाद उसको फिर स्टॉप करेंगे और फिर हम यह देखते हैं कि वह सेम ओरिएंटेशन हुआ कि नहीं हुआ अगर रोटेशन करने के बाद उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है उसकी शेप चेंज हो जा रही है तो इसका मतलब वहाँ सी टू नहीं कुछ दूसरी मैटर है लेकिन अगर ओरिएंटेशन नहीं चेंज हो रहा है सेम आ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर सी टू सिमेट्री है। अब इसके बाद सी टू सिमेट्री इन सॉलिड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे सी टू सिमेट्री इन सॉलिड में निकालते हैं तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखिएगा सी टू सिमेट्री इन सॉलिड सॉलिड सी टू सिमेट्री इन सॉलिड क्या होता है इसको देखिएगा ना कैसे करेंगे इसको आप जरूर देखिएगा
करते क्या है सिटी से तीन सॉलिड में, जैसे मान करके चलिए कि ये आपका सॉलिड है, ठीक, ये आपका भी सॉलिड ही बना रहे हैं हम, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, मैंने आपका ये सॉलिड बनाया हुआ है और इस तरीके से उनको मैंने एट को पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट को इंडिकेट भी कर दिया है। अब देखिए सीटू पास करेंगे हम, तो एक सीटू तो आप यहाँ से भी पास कर सकते हैं, ठीक है, और इस सीटू को जैसे ही पास करेंगे, अब इसको मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, तो एक सीटू आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जैसे सी टू होता है तो रोटेशन एंगल क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप ये जानते हैं कि पूरा रोटेशन कराने पर 360 होगा, है कि नहीं। जैसे अगर सी टू पास करा रहे हैं हम, सी टू कर गया, पूछ लिया रोटेशन एंगल क्या होगा, रोटेशन एंगल कितनी डिग्री पर यह हम पास करा, पास जो सी टू करा रहे हैं वो कितने रोटेशन पे मैंने उनको घुमाया है, तो 360 भागे दो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा, है कि नहीं। अगर हम तीन का रहता तो 12 3 36, सी 3 होगा तो 120 अंश, सी 4 होगा तो 90 अंश, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ऑलरेडी क्या होता है, दो से भाग देंगे, सी 2 सी 3 ये माने रखता है, तो यानी यहाँ पे सी 2 को मैंने पास किया इमेजिनरी लाइन को, और रोटेशन कितने हुआ, 180 अंश पर, हर एक पॉइंट अपने एक दूसरे पर 180 पर रोटेशन किया हुआ है, और जैसे ही रोटेशन मैंने कराया इसको ऐसे घुमा दिया, तो जैसे ही मैंने इसको घुमाया है देखिए क्या बनता है, ये आपका हो गया, ए बी सी डी एफ जी एच हो गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ पर एक, तो यहाँ पर आप देखिए, सॉरी, अब ए यहाँ पर आ जाएगा, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, क्योंकि अब आपने रोटेशन कराया ना, तो ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे, सब चेंज हो गया है, एफ यहाँ पर, एच यहाँ पे आ गया और जी, क्योंकि रोटेशन कराया मैं भूल गया था, रोटेशन करने के बाद चेंज नहीं किया ओरिएंटेशन, तो ऐसा मैंने घुमाया है, तो आपका ए वाला पॉइंट कहाँ गया यहाँ, और बी वाला पॉइंट कहाँ गया यहाँ, ई यहाँ पर आ रहा है, एफ यहाँ पर, पुनः इसका रोटेशन हम कराते हैं, तो जहाँ पुनः इसका रोटेशन कराएंगे सी टू पास करके, देखिए अब कहाँ से सी टू हम पास कराते हैं, 180 पर घुमाएंगे इसको हम, तो एक से सी टू आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी सी टू पास हो रहा है, इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, इस तरह से आप ऐसे घुमाइए, तो ये वाला पूरा सेट जो होगा वो नीचे चला आएगा, ये वाला सेट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको भी मैंने घुमाया है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने इसको ऐसे घुमाया है इस तरह से, तो यह एच और जी कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ए और बी कहाँ चले आए, नीचे चले आए हैं, और आपका यह ई हो गया और आपका यह एफ और यह आपका ऑलरेडी डी हो गया और यह आपका सी हो गया, तो इस तरह से पलट गया है। तो एक चीज़ तो आपने ये देखा सी टू, और एक चीज़ आपने ये देखा,
दो बार सीटू हो गया है, तीसरा सीटू आप पास करिए तो आप यहाँ से भी पास कर सकते हैं सीटू को, है कि नहीं। तो जब आप यहाँ से सीटू को पास करेंगे तो आप ऐसे उलट दीजिएगा तो ये पूरा एरिया इधर और ये पूरा एरिया उधर हो जाएगा। सीटू पास किया मैंने, 180 अंश पर रोटेशन कराया। अभी मैं फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा और कर भी रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे घुमा दिया, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह इस तरह से हो गया और इस तरह से ये और ये बन गया आपका। अब देखें यह से यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे और ई यहाँ पे आ गया, डी आपका यहाँ, सी आपका यहाँ आ गया और ई एच ई हो गया, ये आपका ए हो गया, ए बी सी ई एच जी है कि नहीं, ई ई एच जी हो गया, सी यहाँ आ गया और ए बी ठीक तो है, ए बी सी, ए बी सी यहाँ आ गया, ई एच जी बिल्कुल, फिर बी से एफ जुड़ा हुआ है तो ये आपका एफ हो गया और एफ के बाद ये क्या हो जाएगा, ई तो है ये है और ये डी हो गया। तो कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि जो इस तरह से होने पर ऐसे हो गया ना। तो जब मैंने ऐसे किया तो यह भी यहाँ चला गया, जहाँ जी था वहाँ सी, जहाँ सी था वहाँ जी, ठीक। तो ये रहा आपका तरीका, ई ए ये हो गया, जहाँ डी था वहाँ एफ आ गया और जहाँ एफ था वहाँ डी आ गया, इस तरह से हो गया, सही है ठीक। एक ये ओरिएंटेशन हो गया, तो एक तो ये रहा और एक देखिए यहाँ से भी आप सीटू पास कर सकते हैं। यहाँ से जब आप सीटू पास करेंगे, सीटू पास करते हैं 180 अंश पर घुमाएंगे, अब आप इसको ऐसे कर दीजिए, अब जब आप ऐसे करेंगे देखिए अब ऐसे घुमाइए तो यह ए ई उधर चला जाएगा, ए ई सी जी इधर चला आया, ठीक है। ये जैसे कांस्टेंट बने हैं उसी तरह से रहेंगे, इस तरह से देखिए मैंने ऐसे घुमाया है तो ये आपका रहा भाई 1 2 3 4 5 है कि नहीं। अब मेरे हिसाब से कुल 6 सीटू होते हैं, एक बीच से आप गुजार देंगे जो सबको घुमा सकते हैं, तो देर आर 6 सीटू सिमेट्री इन द एनी क्यूब। तो आपने देखा कि सीटू सिमेट्री को जब पास किया जाता है किस तरह से, सीटू सिमेट्री को कैसे मैंने पास किया है। सबसे पहले आप करते क्या है कि जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं आप वहाँ पे देखते हैं कि किस क्यूब से होकर के वो गुजर रहा है, और क्यूब में जब भी आप गुजारिएगा तो आप यह देखने की कोशिश करिएगा कि उसमें कहाँ से हम उसको पासिंग करें कि वह इक्वल बराबर यानी दो बराबर भागों में उसको बांटे। तो आपने देखा कि मैं यहाँ से उसको बांटा हूँ, यहाँ से मैं खींचा हूँ और उसको मैंने सीटू को पास किया तो वह इस तरह से हो गया। फिर सीटू को मैंने ऐसे पास किया और ऐसे घुमा दिया, ठीक है। फिर मैंने सीटू को पास किया ऐसे, तो ये आइडिया आपका सीटू पासिंग करने का है, सीटू सिमेट्री कैसे आप निकालते हैं, उसको कैसे पास करते हैं। तो किसी भी समस्टांट के अंदर अगर आप सीटू देखते हैं तो सीटू सिमेट्री कैसे देखेंगे, तो इसका आइडिया यही है और ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए, नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए, दूसरा मैंने आपको बताया था बी पॉइंट प्लेन असिमेट्री, प्लेन असिमेट्री। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि प्लेन असिमेट्री होती क्या है। प्लेन का मतलब होता है समतल, किसी को प्लेन में कैसे हम डिवाइड करेंगे, प्लेन रिफ्लेक्ट। जब प्लेन असिमेट्री की बात हम करते हैं तो वहाँ रिफ्लेक्ट की बात आती है कि बस किसी चीज़ को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ये मेरा हाथ हो गया, देख सकते हैं आप। अब जैसे ये मेरा हाथ हो गया, अब मैं किसी शीशे के पास ले करके जाऊँगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो उत्तल लेंस होता है वह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम दौना भी कहते हैं, दूना भी कहते हैं। यानी कि दूरदृष्टि जो दोष होता है उसमें दौना यानी दूरदृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का यूज होता है, निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस का यूज होता है। उत्तल लेंस जो होता है वह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए बोला भी जाता है, क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता भी है कि एम्बुलेंस में आगे वाले जो शीशा होता है, ठीक जस्ट सामने के शीशे जो होते हैं उस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो साइड का शीशा है वह उत्तल लेंस का है, पीछे से जब कोई एम्बुलेंस आएगा ड्राइवर अपने साइड वाले शीशे से देखेगा तो एम्बुलेंस में जो उल्टा लिखा रहेगा तो उल्टा का उल्टा प्रतिबिंब सीधा हो जाता है, तो इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्लेन में होनी चाहिए। प्लेन में तभी हो पाएगा और प्लेन हम तभी मानेंगे जब उसका शीशे पर इमेज बनेगा। अगर उसका शीशे पर इमेज नहीं बनता है तो उसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मान सकते हैं। ये क्राइटेरिया होता है। जैसे आपको हम बता दें, प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है इन एनी सॉलिड, कैसे खींचेंगे इसको देखिएगा। तो पहले तो हम एक्सिस पर खींच रहे हैं। ड्रा द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑन द एक्सिस। ड्रा द प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑन द एक्सिस। किसी एक्सिस पर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे खींचेंगे ये आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा भी, ऐसा आशा है। ठीक है, तो बारी बारी से हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ ही देख लीजिए। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम आपको पैरेलल खींचा करके देख दिखा रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री खींच करके दिखा रहे हैं। इसको देखिएगा, अब यहाँ पर ए मानिए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी और यहाँ एच। जैसे मैं मान रहा था, जैसे मैंने क्यूब बनाया था उसी तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच ना। अब इसमें हमको क्या खींचना है, प्लेन खींचना है और किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो आप यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस तो आपका ये किया है ना, और यह एक एक्स एक्सिस है और इसी पे हमको क्या करना है, प्लेन लगाना है। तो यह एक्स एक्सिस को आप मिला दीजिए और इस तरह से करिए और देखिए, एक्स एक्सिस पर प्लेन आपका हो गया। अब कहेंगे आप इस पर, तो इस पर भी एक लकीर जाएगी तो आपको बड़ा हार्ड लगेगा कि यह प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है, कहाँ से हो गया। तो इस तरह से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री खींचने की कोशिश किया करिए, और यही तरीका होता है, हमेशा देखा करिए कि प्लेन कहाँ पर लगेगा और किस तरह से खींचा जा सकता है। इस पर किशन भाई ज़रूर आते हैं, और आपको साथ ही साथ जिस क्लास में वहाँ का फ़ायदा तो है ही, लेकिन आपके हाई लेवल वाली क्लास में भी ये पूछता रहता है। तो देखा आपने किस तरह से खींचा गया, ऑन द वाई एक्सिस आपको दिखाते हैं हम, ऑन द वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पर हम किसी प्लेन को कैसे ड्रा करेंगे इसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा आपका, यहाँ भी पुरानी की बात, ए बी सी डी मान लेते हैं हम, ई एफ जी एच मान लेते हैं। अब मुझे वाई एक्सिस पर प्लेन को खींचना है, तो वाई एक्सिस क्या होता है, जहाँ जहाँ वाई हो उसको देखिए, वाई एक्सिस आप ये भी है, वाई एक्सिस आपका ये, तो पहले तो आप एक्सिस क्लियर ही कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी कि सर आपने किसको एक्स माना है और किसको आपने वाई माना, किसको जेड। तो यहाँ पर आप क्लियर कर ही लीजिए, ये वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड है, इसको आप क्लियर कर ही लीजिए, एक्स वाई जेड क्लियर। यहाँ भी इसी तरह से आप कर ही लीजिए, इसे आप एक्स मान लीजिए, इसे आप वाई और इसे आप जेड मान लीजिए। अब वाई एक्सिस हमको पैरेलल खींचना है, तो आप ये चेक करना होगा हाउ मेनी नंबर आप पैरेलल इन क्यूब, क्यूब के अंदर कितने पैरेलल हैं इसको देख लीजिए आप। तो आप देखिए इसके पैरेलल ये हैं, इसके पैरेलल ये हैं। पैरेलल की परिभाषा मैंने आपको पहले बता चुका है, समानांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा है जिसको अनंत तक ले करके जाएं लेकिन वह एक दूसरे को ना काटें, समानांतर रेखा होती है। और मैंने यह भी जिक्र कर दिया है कि किसी भी तीन एक्सिस में दो पैरेलल हो सकते हैं और एक इंटरसेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए बी का पैरेलल कौन था, ई एफ भी था, डी जी डी सी भी था और एच जी भी, लेकिन यह किस एक्सिस पर पैरेलल है, वाई एक्सिस पर। तो इसलिए हमने किया क्या, इस पर मुझे क्या करना है, इस पर मुझे ऑलरेडी खींचना है क्या प्लेन, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ा। आप देखिए ऊपर वाली लाइन को पकड़ेंगे तो नीचे वाली लाइन को छोड़ देंगे, देख लीजिए मैंने ऊपर वाली लाइन को पकड़ा और नीचे वाली लाइन को क्या किया, छोड़ दिया। और अगर आप नीचे वाली लाइन को पकड़ेंगे तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ देंगे, तो इस तरह से यह प्लेन खींच गया। ऊपर वाली लाइन को पकड़ेंगे तो नीचे वाली लाइन को छोड़ेंगे और नीचे वाली लाइन को पकड़ेंगे तो ऊपर वाली लाइन को छोड़ेंगे, तो इस तरह से हुआ। ये प्लेन आपका खींचा गया है वाई एक्सिस पर। तो आपने देखा कि किस तरह से प्लेन को खींचते हैं, हम आपको जेड पर भी दिखा रहे हैं ऑन द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर प्लेन को कैसे खींचते हैं इसको देखिएगा, ठीक है। ए बी सी डी आप अच्छे से क्यूब बनाइएगा, तो अब आप जेड एक्सिस पर प्लेन को खींचेंगे, तो इस वाली लाइन को आप अगर पकड़ते हैं तो उस वाली लाइन को छोड़ेंगे और ये वाली लाइन अगर आप पकड़ते हैं तो इसको आप छोड़ देंगे, इस तरह से इसको मिलाइए और ये प्लेन खींचा गया। तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बताता है आपको, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलर इंडिसेस भी बताता है। अभी हम आपको बताएंगे कि प्लेन खींच करके हम किस तरह से मिलर इंडिसेस खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि यह प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी खींची जाती है और यह तरीका होता है, ठीक है। राइट कर लीजिए, बात यह है। अब आप यहाँ पर यह देखिएगा कि किस तरह से हम वो देखते हैं, प्लेन दिया रहे मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री की जिक्र चल रही है तो वो भी बता देते हैं आपको। जैसा आपको दे दिया ऐसे दे दिया आपको ना, ये आपको दे दिया ऐसे और यहाँ दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी और यहाँ एच, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें कहीं प्लेन खींचा हुआ है,
मान करके चलिए यही प्लेन खींचा हुआ है, ऐसा प्लेन खींचा हुआ है, और उसने ये पूछ लिया कि इसका ऑलरेडी मिलर इंडिसेस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? इन्होंने पूछ लिया कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा। तो अब करते क्या हैं इसके लिए, है ना? अब आप यहाँ पे देखिए, जो यह प्लेन खींचा गया मिलर इंडिसेस तक पहुंचना है कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। उसने क्या पूछा कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा? तो आप यहाँ पे यह देखिएगा कि जो ए बी है वह डी सी के क्या है, पैरेलल है, और ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो आप ये जो ए बी पैरेलल डी सी देख रहे हैं यह किस एक्सिस पर है, यानी ए बी पैरेलल डी सी जो है वह आपका ऑन द वाई एक्सिस, किस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। तो पहले आप एक्सिस क्लियर करिए, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई, और ये आपका जेड। तो कोई भी प्लेन अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी होता क्या है कि उसमें एक्सिस को आप एनालाइज करेंगे कौन सा एक्सिस कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए बी जो पैरेलल था डी सी के वह ऑन द वाई एक्सिस पर पैरेलल था, ए बी पैरेलल डी सी के हैं ऑन द जेड एक्सिस, किस पर है, ये ऑन द जेड एक्सिस पर पैरेलल है। तो अब मैं करूँगा क्या, एक्स वाई जेड ये मान लूँगा। एक्स वाई जेड मानने के बाद करते क्या हैं कि अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि ये वाई और जेड, वाई और जेड एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है एक दूसरे के क्या हैं, इनफाइनाइट है ना। जो पैरेलल होगा वो इनफाइनाइट होगा और एक्स क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे यह क्लियर नहीं कि पॉजिटिव घूमे हैं कि निगेटिव घूमे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये दिख रहा है यह इंटरसेप्ट बता रहा है कि वह पॉजिटिव साइन में इंटरसेप्ट हो रहा है। अब ये हो गया, अब इसका मतलब अब उल्टा में चलूँगा तो एक का बट्टा एक, एक का बट्टा जीरो ये रहा होगा, और एक का बट्टा ये कितना रहा होगा, जीरो। क्योंकि जीरो से भाग देने पर जो भागफल आता है वह इनफाइनाइट आता है ना। अब इस तरीके से ये क्या होगा, वन जीरो जीरो। तो यहाँ पे जो मिलर इंडिसेस बना वह क्या बना, वन जीरो जीरो। उल्टा होकर के जाएंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो और पूछे कि उसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, तो हम क्या होकर के जाएंगे, उल्टा होकर के जाएंगे। और उल्टा होकर के ठीक ये प्रोसेस होता है, और इस आधार को उल्टा जा करके हम मिलर इंडिसेस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। राइट कर लीजिए, अब जैसे आप कोई और एग्जांपल देखिएगा कि कैसे और ड्रा करते हैं हम लोग ना। तो इसको देखिएगा, आपका ये है ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, एफ, जी, एच। मान लीजिए इसको प्लेन दिया हुआ है, ना इस तरह से दिया है प्लेन, अब पूछ लिया कि इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा,
उसने क्या पूछा, मिलर इंडिसेस हमको निकालना है, ऐसे दिया हुआ है। इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, यही निकालना था। कैसे निकालेंगे हम इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ देखेंगे कौन पैरेलल है। तो आपने देखा बी सी पैरेलल क्या हो गया, जी एफ हो गया। तो बी सी के जो पैरेलल जी एफ है वह किस एक्सिस पर है, तो बी सी के पैरेलल जो जी एफ है वह आपका जेड एक्सिस पर है। किस एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है। और बी एफ जो है वह जी सी के है, बी एफ जो पैरेलल है वह किसके है, जी सी के किस एक्सिस पर है, एफ एक्सिस पर। तो आप ये अच्छी तरह से जान गए कि जेड और एक्स पैरेलल है, तो इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। वाई क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि जेड और एक्स पैरेलल था और वाई क्या था, इंटरसेप्ट था, ठीक है। अब मुझे मिलर इंडिसेस में जाना होगा एक्स वाई और जेड करके, ना। तो जहाँ पर जेड और एक्स क्या है, पैरेलल का है, तो पैरेलल का मतलब वो क्या है, इनफाइनाइट। और वाई क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वन का बटा जीरो, वन का बटा वन, वन का बटा जीरो। तो ये जीरो से करेंगे तो जीरो आएगा, वन का करेंगे तो वन, और फिर ये क्या आएगा, जीरो। तो मिलर इंडिसेस क्या हो गया, जीरो वन जीरो। मिलर इंडिसेस क्या हो गया, जीरो वन जीरो। तो आप ये देखा करिए कि मिलर इंडिसेस निकालते समय प्लेन जो खींचा जा रहा है उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल एक्सिस, कितने पैरेलल एक्सिस पैरेलल लाइन है और किस एक्सिस पर है। तो तीन एक्सिस में दो पैरेलल होता है और एक इंटरसेप्ट होता है कि नहीं। तो दो पैरेलल कौन से हैं उसको निकाल लीजिए, और जो इंटरसेप्ट है उसको निकाल लीजिए। और इस तरीके से उसको क्या करिए, पुनः पुरानी उल्टा चला चलिए। जब आप उल्टा जाएंगे तो आपको ऊपर एक कोड आ जाएगा जो आपको वही क्या होगा, मिलर इंडिसेस, राइट। और देखिए कई एग्जांपल हम आपको बताएंगे ताकि आप किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। ये देख लीजिएगा, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। अब करना क्या है, कोई भी पैरेलल मैं खींच रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए खींचती है, लेकिन ये वाली पैरेलल में नेगेटिव साइन आएगा, हम ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये खींचा है और उसने पूछ लिया कि इसमें यानी कि मिरर इंडिसेस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। तो आप करते क्या है, मिरर इंडिसेस निकालने के लिए आपको यह देखना होगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पैरेलल लाइन। तो आप देख रहे हैं बी सी पैरेलल, एच जी है, किस एक्सिस पर है ये, वाई एक्सिस पर, ना। डीसी पैरेलल क्या है, एच डी है, किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। डीसी पैरेलल डी एच है, डीसी नहीं जी सी, डीसी पैरेलल क्या है, एच डी है, किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो डीसी पैरेलल एच डी है, वाई एक्सिस पर,
डी एच पहले जे सी है एक्स एक्सेस, तो बचा कौन भाई जेड, तो जेड क्या होगा इंटरसेप्ट हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। लेकिन अब आपको यह देखना है कि जो जेड इंटरसेप्ट है वह निगेटिव साइन में कि पॉजिटिव, तो यह इंटरसेप्ट कर रहा है जेड एक्सिस, यह आपका वाई एक्सिस है और यह आपका एक्स था, तो इसका मतलब जेड इंटरसेप्ट कर रहा है नीचे काट रहा है, लेकिन कब घूमने पर, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर इसको काट रहा है, तो ऊपर से नीचे आने का मतलब इंटरसेप्ट इसका क्या रहा है वन बार, यानी एक्स वाई और जेड है जिसमें एक्स और वाई एक दूसरे के इनफाइनाइट पैरेलल हैं, लेकिन इंटरसेप्ट कर रहा है जेड कब, जब वह निगेटिव साइन में मूव कर रहे हैं तब, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया वन बार कर दिया। उल्टा चलते हैं, वन का बटा वन बार, वन का बटा जीरो, वन का बटा जीरो, तो जीरो जीरो वन बार, क्या हो गया जीरो जीरो वन बार। तो जीरो जीरो वन बार हो गया, ये था आपका प्लेनर सिमेट्री, जीरो जीरो वन बार क्या हो गया प्लेनर सिमेट्री ड्रा हो गया। तो इस तरीके से मिरर इंडिसेस हम खोज करते हैं प्लेनर सिमेट्री में, वहाँ पे देखें कौन सा प्लेन में है उसको हम प्लेन में करते हैं, फिर उसी का उल्टा चलेंगे, ठीक है, फिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये हो जाता है। तो किसी भी सिमेट्री में, किसी भी प्लेनर सिमेट्री में प्लेन खींचने के लिए आपको सबसे बड़ा उपाय यही है कि अगर मिलर इंडिसेस दिया है तो जहाँ जीरो वैल्यू होती है उसको हम पैरेलल मानते हैं, और प्लेन ऐसी जगह पे लगाएंगे कि जहाँ पे इमेज बनता, ये करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज के लेक्चर में इस सॉलिड स्टेट पार्ट फिफ्थ के अंतर्गत मैंने आपको जो पढ़ाया है आज, वह मिलर इंडिसेस के बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको सिमेट्री बताई, सिटी सिमेट्री क्या है, प्लेनर सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री खींची है तो फिर किस तरह से होगी ये बताया है, प्रीवियस क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें बताया, और नेक्स्ट क्लास में मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट कैसा होता है, किसी सॉलिड की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, किसी सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनका पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उस पर बताऊंगा। और उस क्लास में सॉलिड आपका समाप्त भी हो सकता है, तो आज जो मैंने बताया सिमेट्री के विषय में, मैंने आपसे कहा कि जो सिमेट्री होती है वह ऑलरेडी इसमें होता क्या है कि हम लोग करते हैं कि इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, वह कहाँ से बटेगा, किस तरह से होगा, कैसे कटेगा, ये सारी चीज़ें उसमें हम देखते हैं। ये सिमेट्री का लोकेशन होता है, ये सिमेट्री हुआ करते हैं कि उसमें क्या होता है, बराबर भाग उस कहाँ बटेगा। तो कभी कभी सी टू सिमेट्री या सी थ्री सी फोर पूछ लेता है, रोटेशन पूछ लेता है किसका रोटेशन क्या है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं और आप इसका नोट्स अच्छे से बनाइए, आप इसका नोट्स अच्छे से बनाइए, और मुझे आशा है कि आप इसका नोट्स अच्छे से बना भी रहे होंगे। आप हम लोग जिस दौर में चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्टेंसिंग एजुकेशन का भी लाभ उठाएं, और जो भी इस महामारी के रूल है उसको फॉलो करें, फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखें, क्योंकि आप इस छुट्टी में और इस समय में अगर पढ़ाई से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे तो कन्फर्म है कि पढ़ाई आपकी कमज़ोर हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी क्लास के बीएससी हो चाहे बीए हो, एग्ज़ाम भी बहुत सारे बाकी हैं, पेपर्स बाकी हैं, तो आप इस ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए, मन लगा करके पढ़ने की कोशिश किया करिए, नोट्स बनाइए,
अपने तरफ से कोई गलतियां ना होने दें, उसको पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। ओके, जय हिंद, जय भारत।